गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, हमारा चैप्टर चला हुआ है एकांकी ऐसे ऐसे। इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि वैद्य जी आए और डॉक्टर साहब भी आए, दोनों उसको कब्ज या गैस आदि बताकर गए हैं। वैद्य जी ने बोला था दीनानाथ को कि मैं आपको पुड़िया दे दूंगा, और मोहन की माँ को बोला था कि आप इनको गर्म पानी से पुड़िया देते रहना। और डॉक्टर जो आए वे इनके पिताजी को कहते हैं कि चलो मैं आपको दवा दे देता हूँ। वैद्य जी को इनके पिताजी ने 5 रुपए दिए थे और अब डॉक्टर साहब को देने के लिए 10 रुपए लेकर के उनके पीछे पीछे चल रहे थे और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। अब उसके बाद देखिए पाठ में क्या है। माँ, सेब तो दू डॉक्टर साहब? अब उसकी माँ ने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब मैं पेट को सेब तो दू, जो पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, पेट को मैं सेब तो दू। डॉक्टर, दूर से? हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ उठाती है, पड़ोसिन आती है। जब माँ ने डॉक्टर साहब से पूछा कि मैं पेट को सेक तो दू, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि हाँ सेक दीजिए। और माँ ने फिर पानी की बोतल उठाई सेकने के लिए। इतनी देर में क्या होता है, उनकी एक पड़ोसिन भी आ जाती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ कैसा है मोहन? जैसे पड़ोस में किसी को पता चल जाता है कि बच्चा बीमार है तो पता लेने के लिए आ जाते हैं, तो ऐसे ही पड़ोस वाली भी कोई औरत आ गई और उसने पूछा क्यों मोहन कैसा है, मोहन की माँ। माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। अब माँ ने, मोहन की माँ ने पड़ोसिन को कहा आओ जी रामू की काकी। पड़ोसिन को किस नाम से जाना जा रहा है? रामू की काकी के नाम से। आओ रामू की काकी, कैसा क्या, कैसी हालत बताऊं, लोचा लोचा फिरता है, यानी परेशान हुआ फिर रहा है दर्द की वजह से, न जाने ये ऐसे ऐसे दर्द क्या है, इस दर्द ने तो लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन, ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा, रहा मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है खाना पीना तो रहा नहीं। पड़ोसी ने कहा फिर कि ना जी इतनी नई नई बीमारियां आ गई हैं, देख लेना यह भी कोई नई बीमारी ही होगी, इन बीमारियों ने तो तंग कर दिया है, नए नए बुखार भी निकल आए हैं, बात क्या है कि खाना पीना तो पहले जैसा रहा नहीं, अब खाना पीना कैसा है, नकली हो गया, बनावटी हो गया है, तो इस करके नई नई बीमारियां पनप रही हैं। माँ कहती है फिर, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ खाया नहीं, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है, बाहर से आवाज आती है मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब मोहन की माँ पड़ोसिन को बताती है रामू की काकी को कि डॉक्टर ने तो कहा है बदहजमी है, आज तो ये रोटी भी सुबह इनके साथ अपने पापा के साथ खाकर गया था और वहां ऑफिस में भी इसने कुछ नहीं खाया, आजकल तो क्या है बिना खाए ही बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इतनी देर में क्या होता है, बाहर से आवाज आती है मोहन मोहन, फिर किनका प्रवेश होता है, मोहन के मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। जैसे मोहन के मास्टर जी आते हैं, आवाज लगाते हैं, तो मोहन की माँ देख करके कहती है ओह मोहन के मास्टर जी हैं, और उन्हें कहती है आ जाइए मास्टर जी, अंदर आ जाइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है, दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी, क्यों माता जी
आपने क्या खिला दिया था इसे? मोहन ने डॉक्टर ने मोहन के बारे में कहा। मोहन से बात करने लगा कि हाँ मोहन, मैंने सुना है कि तुम्हारे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई, क्या बात हो गई है? चेहरा भी तुम्हारा उतर गया है। बच्चे से बात कर रहे मास्टर जी। मास्टर जी को बताया कि ऐसे ऐसे क्या हो रहा है। तो मास्टर जी ने कहा कल स्कूल जाना है और तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक नहीं होगी, क्योंकि शैतानी जो वो करता था। फिर अपनी उसकी माता को कहते, क्यों माता जी, क्या दिया था आपने इसको खाने के लिए, क्या खिलाया है इसे? फिर माँ कहती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। माँ ने क्या बताया फिर, कि बेचारे ने कुछ भी नहीं खाया। मास्टर, तो ऐसे ऐसे होता है। मास्टर, सारी बात ये तो शायद मैं खाने का ही दर्द नहीं है, मैं खाने में ही मास्टर जी वैद्य की दवा भेजेंगे। मोहन की माँ ने कहा कि लेकिन मास्टर जी, वैद्य जी जो हैं और डॉक्टर जी जो आए थे, वे तो दस्त की दवा भेजेंगे। वो कहकर गए हैं कि बदहजमी हो गई है। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को तो मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। मास्टर जी ने कहा, माता जी, मोहन की दवा वैद्य जी के पास और डॉक्टर जी के पास नहीं है। इसकी जो ऐसे ऐसे की बीमारी है ना, वो तो मैं जानता हूँ। अक्सर क्या होता है, मोहन जैसे लड़कों को वह बीमारी हो जाती है। कौन से वाली? ऐसे ऐसे वाली। ऐसे ऐसे वाली बीमारी मोहन जैसे लड़कों को हो जाती है। माँ, सच क्या बीमारी है यह? माँ तो इतनी परेशान हो रही थी, तो माँ को हैरानी हुई कि सच आप बताओ, ऐसी ये कौन सी बीमारी है? मास्टर, अभी बताता हूँ। मोहन से, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मास्टर ने क्या कहा उसकी माँ को, अभी बताता हूँ ऐसे ऐसे की बीमारी का। बीमारी कौन सी है ये? तो मोहन से पूछा मास्टर जी ने कि अच्छा साहब, अब आप बताओ मुझे, डरो मत, चाहे स्कूल भले ही कल मत आना, लेकिन एक बात बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है या नहीं किया है? मोहन चुप रहता है। मास्टर जी ने जब पूछा कि स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है या नहीं किया है, यह बात सुनकर के मोहन चुप रह जाता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मोहन की माँ ने भी मोहन को कहा कि जो मोहन चुप रहा, क्योंकि काम तो उसने कर नहीं रखा था। तो मोहन की माँ ने कहा, बेटा जवाब दो, मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं, इस बात का जवाब दो। मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन से मास्टर जी ने फिर कहा, हाँ बेटा बोलो। तो मोहन क्या करता है, कुछ देर तो चुप रहता है, उसके बाद धीरे से सिर हिला देता है। किस उसमें ना कि कार्य नहीं किया। मोहन जी, सब नहीं हुआ, सिर तो हिला देता है और बताता है कि सभी सारा कार्य नहीं हुआ, कुछ किया है। मास्टर, हूँ शायद सवाल रह गई है। मास्टर समझ गए, क्योंकि तीसरी क्लास में है ना, तो एक ही मास्टर पढ़ाते हैं सारे सब्जेक्ट्स, तो मास्टर को तो पता होता है कौन सा बच्चा क्या काम करके आता है, कितना काम करता है घर से, कितना नहीं, कैसा किस प्रकार से शैतानी करता है। तो मास्टर जी को मोहन के बारे में सब कुछ पता था। तो मास्टर जी ने कहा कि हाँ सवाल रह गए हैं आपके शायद। मोहन ने कहा, जी मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। तो मास्टर जी ने कहा, जो ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना आपको, ये काम न करने का डर है। आपने काम नहीं किया, इसलिए आपको डर है कि कल स्कूल जाना पड़ेगा और काम मैंने कर नहीं रखा, तो इस करके आपको ये ऐसे ऐसे पेट के अंदर हो रहा है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। उसकी माँ भी एकदम चौंक गई, जो कि इतनी परेशान हो रही थी, हैरान रह गई कि मोहन
इतना चालाक नहीं था। मोहन क्या करता है, अचानक से मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठे साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। अब मोहन मुंह छिपा लेता था, मास्टर जी हंसे, मास्टर जी समझ गए थे। तो मास्टर जी ने कहा, कुछ नहीं माता जी, बस 1 महीना इसने काम नहीं किया, मौज की है, इसलिए इसका स्कूल का काम रह गया और आज इसे ख्याल आया है कि काम तो हुआ नहीं और कल स्कूल में जाऊंगा तो बस मार पड़ेगी, तो मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी, तो इस डर के मारे इसके पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। अच्छा साहब उठिए, और इस आपके ऐसे ऐसे की दवा तो मेरे पास है। क्या दवा है? स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और उस 2 दिन की छुट्टी में आपको सारा काम पूरा करना है, और सारा काम पूरा करोगे तो ये ऐसे ऐसे अपने आप दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह फिर अपने मुंह को छिपाए रहता है। मास्टर जी ने फिर कहा, उठिए अब खड़े हो और सवाल कीजिए, और उसके बाद आपको खाना मिलेगा, काम शुरू करो। मोहन उठता है, माँ ठगी सी रहती है, ठगी सी देखती रहती है, ये क्या हुआ, इतना छोटा बच्चा इतनी चालाकी करता है, हमें बेवकूफ बना रहा है, परेशान कर रहा है, हम डॉक्टर के पास भागे फिर रहे हैं, कभी पेट को सिकाई कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। माँ इस प्रकार से सोच करके ठगी सी रह जाती है। इतनी देर में क्या होता है, पिताजी और दीनानाथ दवाई लेकर प्रवेश करते हैं। इतनी देर में क्या होता है, जैसे माँ भी ठगी सी रहती है तो दूसरी ओर से उनके पिताजी और दीनानाथ दवाई लेकर प्रवेश करते हैं, अंदर आते हैं। पिताजी डॉक्टर के पास से दवाई लाते हैं और दीनानाथ वैद्य जी के पास से दवाई लाते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से, देखा जी आपने, मोहन की माँ कहने लगी, मोहन को डांट कर बोलने लगी, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में जैसे बड़ों जैसे चालाकी की तूने, हमारी तो जान ही निकाल दी तूने, और 15-20 रुपए खर्च हुए वे अलग से हुआ। पिताजी से सो अलग से, पिता से कहने लगी फिर उसके मोहन के पिता से, देखा जी आपने ये कितना चालाक निकला। पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? पिताजी भी हैरान हो गए कि क्या क्या हो गया। तो माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। फिर माँ ने बताया कि जो ये बार बार ऐसे ऐसे का दर्द बता रहा था ना, पेट में ऐसे ऐसे का दर्द है, वो ऐसे ऐसे का कोई दर्द नहीं था, स्कूल का काम पूरा नहीं किया था, इस कारण इसके पेट में ये ऐसे ऐसे हो रहा था। पिताजी हैं, पिताजी भी हैरान रह गए। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। क्या होता है, उसी समय पिता भी हैरान हो जाते हैं, और हैरानी से पिताजी के हाथ से दवाई की शीशी छूट करके एकदम से फर्श पर गिर जाती है, और एक क्षण के लिए तो सभी ठगे से रह जाते हैं और मोहन को देखते हैं। ठगे से रह जाते हैं किस लिए, कि इतने छोटे बच्चे ने इतनी चालाकी की, हमें इतना बेवकूफ बनाया, इतना परेशान किया, इस प्रकार सभी भौचक्के रह जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं, फिर सभी हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह, दीनानाथ कहने लगा, वाह मोहन वाह, तूने तो बड़ी चालाकी की, बड़े बड़े वाला काम किया। पिताजी, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। फिर पिता कहने लगे, वाह बेटा तुमने तो खूब छकाया, यानी हमें बहुत परेशान किया, कभी डॉक्टर को फोन कर रहे हैं, कभी पड़ोसी आ रहे हैं, कभी वैद्य के पास दवाई लेने जा रहे हैं,
कभी डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रही हैं। तूने तो हमें बहुत थकाया, परेशान किया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। जो मोहन है वह 8-9 साल का है ना, तो इस कारण सभी छोटे बच्चे की चालाकी के कारण हंस पड़ते हैं और उसके बाद पर्दा गिर जाता है, नाटक खत्म हो जाता है। तो देख लीजिए, आप में से भी शायद कुछ बच्चे ऐसे ही करते होंगे जो स्कूल का काम पूरा नहीं करते तो कोई ना कोई मम्मी पापा के सामने बहाने बना देते होंगे, आज स्कूल में छुट्टी है, आज मेरा दोस्त नहीं आएगा, ये है वो है। क्लास के बच्चे भी इतने सिक्स क्लास में हो गए हैं तो ये ऐसे बहाने पकड़े जाते हैं, ऐसे कंप्लीट ऐसे ऐसे का पता चल गया, या ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी, ना कि बीमारी का बहाना मत बनाना। तो अब आपको इसके इंटरनल क्वेश्चन बनाने हैं, लेसन कंप्लीट हो गया पूरे लेसन में से, और इसके जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये भी आपको बनाने की कोशिश करनी है, इनको कल करेंगे। तो आज आपने इंटरनल क्वेश्चन बनाने हैं। अब जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसी में क्वेश्चन आपसे सुनती हूँ, उसके बाद बुक्स भी चेक करनी है।